दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम जॉन डियर ट्रैक्टर की, दिखाएंगे जॉन डियर ट्रैक्टर अंदर से कैसे दिखता है। मैं विजिट कर रहा था, कटा हुआ ट्रैक्टर मिला, हर एक जगह इंजन कटा हुआ है सब जगह, और चलता हुआ भी दिखाई देता है। तो शुरू में मैं चारों तरफ से घूम के बताऊंगा और फिर चलता हुआ भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कहता हूं पूर्णता जरूरी होती है हमेशा, है ना। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैंने लगातार 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया है और मैं किताब का लेखक हूं, और बहुत सारे मेरे कोर्सेज हैं जो लोग आगे कर सकते हैं टेंशन को लेकर, डिप्रेशन को लेकर। तो मैंने लगातार 23 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया, तो मैंने लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं और लगभग मैं 5 लाख किसानों से मिला हूं। तो आपको ट्रैक्टर का ज्ञान होना चाहिए, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हो ना, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं खरीद के आ रहा हूँ। हमारी गलती होती है कि हम खरीदते नहीं हैं। हाँ दोस्तों, एक गिफ्ट है, गिफ्ट ये है कि नीचे दो ग्रुप हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक में किसान, में किसान ही किसान की मदद करता है कि ट्रैक्टर के बारे में आप सबसे पूछ सकते हो, किसकी प्राइस क्या है, दूसरे स्टेट के लोगों से भी, है ना, भी ट्रैक्टर की प्राइस क्या है, सारी चीज़ पूछ सकते हो। और दूसरा ग्रुप है ट्रैक्टर से सफलता किताब का ग्रुप है, किताब को मैं पढ़ के सुनाता हूँ रोज़ लाइव आके। और वहाँ ग्रुप पे मैं कोर्स है जो मेरा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देता हूँ कि आपके माइंड को पैसे के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाए, तो वो कोर्स भी आप फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए अपने जॉन डियर ट्रैक्टर को घूम के देखते हैं पहले, फिर और फिर चलता हुआ भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये है जॉन डियर का ट्रैक्टर। जॉन डियर के अंदर जैसे मान लो एक एक चीज़ को कट करके दिखाया गया, देखो ये जो हब होता है फ्रंट वाला, इसमें एक बेरिंग यहाँ पे होता है, एक बेरिंग यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ये मान लो यह नट कैसे होता है, तो बेरिंग कैसे लगा होता है, एक एक चीज को काट के दिखाया होगा, पूरा ट्रैक्टर काट के दिखाया होगा। मैं पूरे ट्रैक्टर के बारे में बताता हूँ आपको और फिर लास्ट में चलता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है आपको। अब आगे आते हैं तो इंजन में मेन देखिए पंप, अगर पंप के देखे सेंटर में देखिए, ये वाला जो हिस्सा प्लंजर है ये दिखाइए, थोड़ी लाइट कम है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर जल जाती है तो प्लंजर ये अंदर इसके प्लंजर है। देखो पंप इस तरह से होता है और ये इसका मैकेनिकल गवर्नर होता है, तो मतलब जब पंप घूमता है जब कंट्रोल करना होता है तो यहाँ से इसको करना होता है। और ये पूरी तरह से कटा हुआ है, एक एक चीज़ देखिए, क्रैंक अंदर से दिख रही है और इस तरीके से अंदर देखेंगे तो वो पिस्टन, देखिए वो पिस्टन वहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये पिस्टन दिखाई दे रहा है आपको, और अगर इसको पूरा कट देखेंगे तो डीजल फिल्टर अंदर से ऐसे होता है, यानी डीजल फिल्टर देखो इधर से टंकी से आया और ये इधर से होके पंप को जाके सीधा उधर चला जाएगा, यानी ये डीजल यहाँ से नीचे आएगा, नीचे से साफ होके इसके अंदर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कट सेक्शन दिखाया गया है, पूरा ट्रैक्टर को काट के अंदर से अच्छी तरह से दिखाया गया, पूरा ट्रैक्टर एक एक चीज़ काट के दिखाई गई है। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्लच की तरफ, देखिए ये क्लच है, अगर क्लच असेंबली है जो फ्लाई व्हील के ऊपर लगी होती है ना, तो क्लच असेंबली है। अगर आप यहाँ पे से देखेंगे तो इसको क्लच बीरिंग बोलते हैं, ये क्लच बीरिंग है। इसको अगर पीछे खींचेंगे, जैसे ही पीछे खींचेंगे तो क्लच डिसंगेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लच है और स्टेयरिंग को भी यहाँ से अंदर से देखो, स्टेयरिंग भी पूरा काट के अंदर से पूरी तरह से काट के, मतलब एक एक चीज़ को इतना प्यारा करके दिखाया गया ना, मतलब पूरा किसान सिर्फ इससे ट्रेनिंग ले सकता है। और ये देखिए दोस्तों असली चीज, ये है गियर बॉक्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। अभी देखिए कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में क्या होता है कि अगर मान लो अपन गियर को आगे पीछे मूव करते हैं ना, कोई भी गियर मूव करते हैं, तो अभी देखो इस गियर में ये जो कपलर है यही मूव होता है, ये देखो कपलर, वो उधर से कपलर ही मूव हो रहा है ना, सिर्फ कपलर मूव, उधर ये वाला जो कपलर है वही मूव होता है, इधर उधर गियर आपस में लगे हुए हैं। और गियर ये क्या है, हेलिकल, वही ऐसे ये कपलर है, इधर मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, वो देखो इधर मूव हो रहा है, इधर मूव, ये गियर लगा रहे थे तो इस तरीके से ये कपलर इस तरीके से मूव होता है। और पूरा देखो आपको जब ट्रैक्टर को समझना होता है ना, जब अंदर से समझ लेते हो तो शांत मतलब मजा आता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों प्लंटेड ड्राइव है ना। अब ये वाला हिस्सा गियर बॉक्स कहलाता है, ये वाला रियर ड्राइव कहलाता है। यहाँ से पिनियन, ये अंदर पिनियन, जो पिनियन अगर देखोगे तो यहाँ से पिनियन, पिनियन से क्राउन, क्राउन से ये प्लांटेड ड्राइव, बीच में यहाँ पे ये बीच में ब्रेक्स हैं, ये प्लांटेड ड्राइव। आप देखो ये तीन गियर है आपस में पकड़ के चलते हैं, ये पूरी यूनिट घूमती है, फिर ये तीन चक्कर घूमता है तो ये एक चक्कर घूमता है, यानी प्लांटेड ये एक चक्कर घूमता है तो ये तीन चक्कर घूमता है तो ये एक चक्कर घूमता है, दोनों की ये साइकिल सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं ये, है ना। तो इस तरीके से आप ये पूरे ट्रैक्टर को समझ सकते हैं, जिसका ये गोल हब होता है ना पीछे से, वो ही प्लांटेड ड्राइव होता है। और जो असली प्लांटेड ड्राइव होता है वो सिर्फ जॉन डियर में आता है दोस्तों, बाकी लोग डिज़ाइन करके दे रहे हैं लेकिन इनके बस की बात नहीं होती कि ट्रैक्टर कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ना। तो पूरी तरीके से ट्रैक्टर काट के कोई दिखाने की हिम्मत बहुत कम भी होती है, तो पूरा ये कटा हुआ ट्रैक्टर है। मैं चलो ये दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, बैक साइड से भी दिखाता हूँ।
ये जैसे तीन छेद हमेशा जो सेंसिंग के लिए दिए जाते हैं सभी में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन छेद बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे दिए गए है ना। इसमें लिफ्ट में और भी कुछ आता है तो बाकी पीटी यहाँ से मैं दिखाता हूँ क्या दिखता है इसके अंदर। ये ऑयल फिल्टर जो मेन होता है अपना, उसका भी इसको कट करके अंदर से दिखाया गया पूरा का पूरा। ये एक डीलरशिप पे खड़ा हुआ ट्रैक्टर देख लो दोस्तों, कि डीलरशिप वाले लोग भी यहाँ पे इतना ध्यान रखते हैं किसान को पूरी तरह से ट्रैक्टर के बारे में कैसे ट्रेंड कर दिया जाए। ये पूरा लिफ्ट का जो सेंस, मतलब कैसे कैसे सेंसिंग लिफ्ट कहाँ से कहाँ से काम करती है, पूरा का पूरा सिस्टम दिखाया गया। अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो ये वीडियो एक घंटे का हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा आगे से आते हैं इधर से तो अपन देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा अब देखे पंप, ये दो तरह के पंप हैं, रोटरी पंप है, ये वाला पीछे चला गया और ये वाला पावर स्टीयरिंग को चला गया ना। ये देखिए पंप को पूरा काट के दिखाया गया किस तरह से, रोटरी पंप ये घूम के तेल प्रेशर क्रिएट करके आगे को देता है, और ये सोलेनाइड स्विच है। बाकी अंदर अगर यहाँ से भी देखेंगे ना, अंदर से यहाँ से भी कुछ काट के दिखाया गया है। लाइट जला लेता हूँ, अगर ये इसकी मान नहीं रहा है, ये अगर मान गया ना, ये देखिए दोस्तों अब ये काट के देखो, ये कैम दिख रही है अंदर, ये कैम दिख रही है ना आपको, ये देखो कैम काटा हुआ है, सारा कुछ कटा हुआ है अंदर। और इधर देखिए ये वाला हिस्सा भी कैम है ना, कैम का हिस्सा है जो उसको घुमाता है। और ये जॉन डियर के इस तरीके से पूरा कटा हुआ ट्रैक्टर, मतलब एक ट्रॉली पे लगाया गया और बहुत अच्छे तरीके से ये चलता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी जैसे पंप चलता है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो आप चलता हुआ पूरी चीज चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। इसी तरह से ये अल्टरनेटर चलते हुए दिखाई दे रहा है इस ट्रैक्टर के अंदर है ना, चलता हुआ। आगे मैं पीछे ले चलता हूँ गियर। अब देखिए दोस्तों पिस्टन कैसे चलता है किसी ट्रैक्टर के अंदर, ये देखिए, ये पूरी तरह से आप देखिए, ये पंप का प्लंजर, ये देखो हर एक चीज अपने आप में चलती हुई दिखाई दे रही है ना। आगे पंखा घूम रहा है, मतलब अरे सोच के देखिए आप कि यहाँ से पावर पैदा होती है, पावर पैदा होने के बाद क्लच में जाती है, और क्लच कैसे घूमता है। अगर क्लच को दबाते हैं तो वो देखिए, अगर मैं क्लच को यहाँ से दबाता हूँ तो बेयरिंग पीछे आ जाता है ना, तो इस तरीके से घूम रहा है। और ये देखिए दोस्तों अभी ये गियर अंदर कैसे घूमते हैं, ये सामने आपके सामने गियर घूमते हुए देख सकते हैं अभी कैसे घूम रहे हैं, देखिए ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से गियर घूमते हैं आपस के अंदर। और अगर गियर हम लगा देते हैं तो ये पिछली ड्राइव भी घूमती है। अगर मान लो मैं इसको बोलता हूँ, ये ऐसे करके ये रुको अभी लगा दिया, अभी गियर घूम रहे हैं, और इसको कोई सा गियर डालना एक बारी, इसका कोई सा भी एक गियर लगा दे। हाँ ये देखिए हो गया लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये पीछे घूमने लग गया, वो पीछे क्राउन व्हील पिनियन घूमने लग गया, और ये धीरे धीरे करके ये देखो घूम रहा है, कितनी रिडक्शन है या कितनी तेज घूम रहा है, पीछे रिडक्शन कितनी धीरे हो गई है, और ये बिल्कुल धीरे 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 घूम रहा है, क्योंकि ये मोटर से पूरा चलाया जा रहा है, तो इससे ये धीरे धीरे घूम रहा है। इतना शानदार सिस्टम है ना, इंजन को देख के तो मजा आ जाता है ना। तो पूरा सिस्टम घूमता हुआ देखिए पूरा। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, है ना, हर एक चीज की नॉलेज है जॉन डियर के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है ट्रैक्टर की। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।